राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को एप्पल ने भेजा सुरक्षा संबंधी ईमेल। सिंहदेव ने ईमेल को एक्स पर किया शेयर। सिंहदेव ने ईमेल को बताया निजता में सेंध। चुनाव के दौरान एप्पल का ईमेल चिंतनीय है, ऐसा टीएस सिंहदेव ने कहा है। निजता की सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी है, डिजिटल सुरक्षा प्रणाली पर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ऐसा सिंहदेव ने आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से पहुंचा रहा है, जहां पर एप्पल कंपनी ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को एक सुरक्षा संबंधी ईमेल भेजा है। उसको लेकर अगर बात की जाए तो ये जो ईमेल है ये टीएस सिंहदेव ने अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर यह शेयर किया और कहा है कि निजता का उल्लंघन है। और इस खबर पर हमारे साथ जो है विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गया है। गौरव, बात किया है तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को एप्पल से एक अलर्ट मैसेज आया है, सुरक्षा संबंधी यह मैसेज बताया जा रहा, आखिर क्या कुछ जानकारी इस मैसेज को लेकर? निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके इस जानकारी दी कि उन्हें एप्पल की ओर से सुरक्षा संबंधी मेल भेजा गया है और इस दौरान ये भी जानकारी दी गई है कि उनकी जो निजता है वो खतरे में। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर आज ही दिल्ली में राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टीएस सिंहदेव का जिक्र आया था। तो सुरक्षा संबंधी और निजता को लेकर जो लगातार कांग्रेस हमले कर रही है उसी से जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए। और टीएस सिंहदेव ने भी यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट करके भी तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये सियासत है कि लानत है और सियासत पे सदा खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमला बोलने की कोशिश जो है वो टीएस सिंहदेव ने की है और इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एप्पल भी सुरक्षित नहीं और निजता का हनन किया जा रहा है। लेकिन गौरव, बात की जाए टीएमसी सांसद मोइना मित्रा हो या फिर राहुल गांधी, और अब इस कड़ी में जो है टीएस सिंहदेव का नाम भी सामने आ गया, जिनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हैक करने की कोशिश की जा रही, तो क्या माना जाए? चुनावी साल है, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम इस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है, क्या चुनावी साल इसलिए है या वास्तव में निष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं? लगातार पेगासस जैसे कई विषयों को लेकर कांग्रेस मुखर रही है और एक बार फिर से चुनाव के समय पांच राज्यों के चुनाव, ऐसे में कई नेताओं को इस तरह के जो मेल आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है नेताओं की। और यही वजह है कि टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके निजता पर हनन की बात भी कही है और असुरक्षा की बात भी कही है, बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी टीएस सिंहदेव का जिक्र करके पांच राज्यों के चुनाव से इसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल गौरव, देखना होगा कि इसका फायदा जो है कितना कुछ कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।